सो यहाँ पे हम सीधा बाय पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। एक क्लिक में यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज हम देखेंगे कि आप फायर्स वेब पे इंस्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। सो सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने fires.in वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपको फायर्स वेब देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे देखो इस साइड में आपको डॉट डॉट देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। सो इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको जितना भी इनका ट्रेडिंग का फीचर्स है सभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें फायर्स वेब पे ट्रेडिंग करना है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड fires.in वेबसाइट पे आ जाओगे। अभी कैसे यहाँ पे इनका जो वेबसाइट है थोड़ा सा अलग ही आपको देखने को मिलता है। सीधे यहाँ पे इस तरीके से चार्ट पे ही आ जाते हो, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे चार्ट पे फिर ट्रेडिंग करने वाले हो। सो इसी तरीके से आपको इनका वेबसाइट देखने को मिल जाता है। अभी कैसे इंस्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको आ जाना है सीधा सेटिंग में, चार्ट सेटिंग में आ जाना है। नीचे आपको ट्रेडिंग सेटिंग देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पे आपको इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको आपको ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपका इंस्टेंट सेटिंग ऑन हो जाएगा। अभी के इस यहाँ पर देखोगे ऊपर ही यहाँ पर आपको जो भी एरो देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे होता क्या है कि आप सीधा यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाते हो, फिर आपको जिस भी कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करना रहेगा, उसको आप इजीली फिर सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी इस अगर आपको ऑप्शन चेन को चेंज करना है तो यहीं पर आपको ऊपर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी दूसरे इंडेक्स का भी ऑप्शन चेन देख सकते हो। बाकी इस यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन चेन देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आपको बैंक निफ्टी के किसी भी मान लीजिए पुट ऑप्शन में करना है तो यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको कौन से पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं डेमो के लिए जो भी मान लीजिए 49,600 का पुट ऑप्शन है इसी का मैं चार्ट ओपन करूँगा। सो यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से उसी ऑप्शंस का चार्ट ओपन हो जाएगा और फिर उसका यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रीमियम वगैरह भी देखने को मिल जाता है। जैसे अभी आप देखोगे इसका प्रीमियम चालू है 19 रुपीज़ का। यहाँ पे कैसे आपको बाइंग करने के लिए दो तरीका मिल जाता है। एक तो यहाँ पे आप ऊपर बाइंग पे क्लिक करके बाय कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाता है। सो यहाँ से आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो यहाँ से आप ज़्यादा लॉट भी कर सकते हो। सो फिलहाल यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक ही लॉट को रखूँगा। और कैसे यहाँ पर आप देखोगे नीचे आपको बी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी कैसे यहाँ पर देखो इसके ऊपर आ गए इजीली। सो यहाँ पर हम इसमें एक स्कैल्पिंग करेंगे और उसी स्कैल्पिंग के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। सो यहाँ पर हम सीधा बाय पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। एक क्लिक में यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। और बाकी इस बात करें कि इसमें अगर आपको इंस्टेंट टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, सो आप वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, सो आपको जो भी प्राइस का इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगाना रहेगा उस प्राइस पे आ जाना है और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो सिलेक्ट करते यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा बहुत ही ईजिली और इसको आप इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हो, ऊपर ड्रैग भी हो जाता है। कुछ ही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बट गाइस जो भी इनका ऐप है उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। और बाकी गाइस यहाँ पे आप एक क्लिक में इसमें जो भी ऑर्डर रहता है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। और गाइस अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सेकंड वाला नहीं लगेगा, सेकंड वाला किसी में भी नहीं लगता है, सब में रिजेक्टेड ही हो जाता है। और अगर टारगेट की बात करें कि आपको टारगेट कैसे लगाना रहेगा, सो आपको जो भी प्राइस का टारगेट लगाना रहेगा उस प्राइस पर आ जाना है और फिर यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ऊपर यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन लिमिट वाला ऑप्शन इसी को आपको सेलेक्ट करना है। सो जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे आपका यहाँ पे टारगेट ऑर्डर लग जाएगा बहुत ही ईजिली और इसको भी आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, जो भी प्राइस को आपको ट्रेल करना रहेगा। सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इंस्टेंट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। और अगर आपको इसको भी कैंसिल करना है तो यहाँ सब जैसे कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और गाइस अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके जितना भी आपको लेआउट रखना रहेगा इस तरीके से आप रख सकते हो। सो गाइस बहुत ही अच्छे से आप चार्ट पे इंस्टेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। और बाकी इस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन रहेगा उसको भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि जितने भी नए नए वीडियो रहेंगे आपको सभी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। सो अभी यहाँ पर देखो मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। अभी ये जो भी पोजीशन है इसको मुझे इंस्टेंट क्लोज करना है, सो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मल क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपका जो भी ट्रेड रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट हो गया है।
और कितना लॉस बुक हुआ है, सो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑल पोजीशन देख सकते हो कुछ इस तरीके से, सब में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, सो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। सो गाइस बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे इंस्टेंट ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपको लाइव प्रोसेस में बता दिया है। और बाकी इस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।